मुकेश जी हैं असम से, स्वागत है आपका। सर आप लाइन पे हैं ऑनलाइन पे जी, बताइए सर आपका प्रश्न क्या है। पर्सन मतलब स्किन का प्रॉब्लम है, बहुत घना सा है, मतलब बढ़ते जा रहा है। बाद में जानकारी मिले तो सही था गुरु जी। खुजली है क्या? हाँ, जहाँ स्किन का प्रॉब्लम वहाँ तो भी नहीं, बाई स्किन चांस कर। प्रॉब्लम है, इसके अलावा हम कुछ नहीं समझ पा रहे। क्या खुजली है? दाने? व्हाइट व्हाइट धब्बा है अच्छा, देखिए जी, समय बहुत हल्का कम है। खुजली। अभी गर्म से कपड़ा खोले आए, गर्म से कपड़ा खोले तो हल्का खुजली है, लेकिन उन जगह में खुजली है, मतलब जहाँ व्हाइट धब्बा है वहां ज्यादा खुजली नहीं है। हाँ, यही वजह है, बहुत कम समय। आप समझ लीजिए नुस्खा क्या है। बापची 50 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, गौंद मोरिंगा 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बना लें बारीक, और आधा एक कैप्सूल दिन में सुबह एक शाम पानी के साथ लिया करें। आपको काफ़ी वक्त लगेगा लेकिन फ़ायदा मुमकिन है। कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। फैजाबाद से हैं धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, जी सर। ऐसा जी, हमारे एक बच्चे को दौरे पड़ते हैं। जी, कितने साल दौरे का है पड़ते हैं, बच्चा? 40 साल का है जी, 40 साल का। यदि कि दौरों का सबसे अच्छा इलाज एलोपैथ में मैं देखता हूँ अपने अनुभव से। यूनानी दवा तो आप इसलिए ले सकते हैं कि उसकी मददगार दवा के तौर पर, तो वही दवा लें जो डॉक्टर देता है। लेकिन एक नुस्खा मेरे नज़र में है, वो आप ले सकते हैं। धनिया और अलसी और आंवला, तीन चीज़ें, धनिया अलसी आंवला, तीनों को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम बच्चे को दें। और नमक जैतून आता है, एक असली नमक जैतून लें, 2 गिलास पानी में मिलाएं, और ये पाउडर खिलाकर आप ये 2 गिलास पानी दिन में कम से कम एक बार या 2 बार बच्चे को ज़रूर पिलाएं, और हमसे उनके फ़ायदे के बारे में बताते रहें। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो सर, आपका नाम क्या है अचलगिरी जी, आपका सवाल। गोस्वामी, मेरे सवाल ऐसा, पग थोड़ा कमजोर भी हो, क्या परेशानी आपको? जो अरे कमर दर्द और पैर उठे को नहीं, पैर उठे को नहीं। कमर दर्द होता जी? आप एक पैर उठे को नहीं। कितनी उम्र जी आपकी? माजी ऐसा 55 साल 55 साल। जी, अच्छा, देखिए दर्द कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, नाम कोई भी हो, दवा एक जो रॉ मटेरियल के रूप में है। और देखिए अलसी को हल्का सा भून लें, अलसी सब जानते हैं, अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्स सीड कहते हैं। अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, और आधा चम्मच अलसी खाएं, और आधा ग्राम गौंद सियाह, ये असली लेना ज़रूरी है। गौंद सियाह को काला गौंद भी कहते हैं, जो बदकिस्मती से आजकल नकली बहुत मिल रहा है, तो असली गौंद सियाह ख़रीद लें। आधा ग्राम गौंद सियाह आधा चम्मच अलसी में मिलाकर सुबह और शाम नाश्ते और खाने के बाद पानी से या कम चर्बी के दूध से इस्तेमाल करें, 2-3 महीने इस्तेमाल करें। और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला बाथरूम आप इस्तेमाल करें, शौचालय, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगली कॉलर है हमारे साथ, सुषमा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हरियाणा अम्बाला से बात कर रही हूँ। जी मैम, आपका सवाल। हाँ जी मैम, सर को नमस्कार मेरा।
सुषमा जी स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हाँ जी सर, सर परसों फोन किया था मैंने आपको बेटी के बारे में सर। हाँ जी, तो वो लाजवंती के बीज बताए थे सर आपने, वो दे रही हूँ मैं इसे, तो हल्का सा मतलब फर्क लगा है सर। मैंने फोन इसलिए किया है भी आप उसके लिए दुआ करो, आपकी दुआ बहुत लगती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और फायदा भी शुरू हो गया सुषमा जी, 2 दिन में आपको फायदा भी शुरू हो गया। भगवान की आप पर बहुत मेहरबानी है, और जिन पर भगवान की मेहरबानी होती है वो लोग इस लायक होते हैं कि उनसे दुआ के लिए कहा जाए। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करें कि मैं आपकी सेवा और ज़्यादा कर सकूं। बहरहाल आपने मुझसे कहा है, तो देखिए मेरे प्रोग्राम में या मुझ में और दूसरे लोगों में यही फ़र्क है कि आप मुझसे दुआ के लिए कहें या ना कहें, मैं आप लोगों के लिए अपने यानी मशवरे के साथ दुआ भी खामोशी से करता हूँ और रोज़ करता हूँ कि ए भगवान मेरे साथ जो वीवर जुड़े हुए हैं, अगर तुझे मेरी लाज रखनी है तो मेरे बताए हुए मशवरे में उनको फ़ायदा लिख दे, उनको हुक्म दे दे उन दवाओं को, उन मशवरों को, कि उन मरीज़ों को फ़ायदा दे दे, शायद इसी का असर हो। और मैं विशेष दुआ भी करूँगा कि आपके बच्चे को फ़ायदा हो जाए। जम्मू कश्मीर से हैं अनिल जी, स्वागत है आपका। मैडम मुझे थोड़ी गैस की बड़ी प्रॉब्लम है। गैस की? ठीक जी, गैस से शुरू होती है हर बड़ी बीमारी, पेट से शुरू होती है। यहीं से आप गौर कर लें तो फिर बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब नुस्खे जात तो बहुत बताता हूँ मैं, लेकिन एक कामयाब नुस्खा माना जाता है और वो है 7 चीज़ों पर मुश्तमिल, 7 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें हो गई है। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना लें अच्छा सा, और एक आधा नमक जैतून। नमक जैतून एक दुनिया का विशेष रॉ मटेरियल नमक है, जो एक चुटकी लेना है। इसे अलग रखिए खरीद कर, इसे भी 100 ग्राम खरीद कर अलग रखिए और 2 गिलास पानी मिला दीजिए, मिक्स करें और ये 1 चम्मच खाएं, जो मैंने 6 चीज़ों का पाउडर बताया है, और ये 2 गिलास पानी पी लें, आपको 7-8 बीमारियों से राहत होती है इसमें, जैसे एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, इन्फेक्शन, 4 बीमारियाँ हो गई। लीवर इन्फेक्शन, और लीवर ठीक से काम ना करता हो, फैटी लीवर हो जाए, या किडनी में इन्फेक्शन हो, पेशाब में इन्फेक्शन हो, लैट्रिन में आँतों में इन्फेक्शन हो, या क्रिएटिनिन के लिए बहुत अच्छा है, और खुजली के लिए बहुत अच्छा है, और मुहासे नहीं निकलने देता, और स्किन के तमाम रोगों के लिए। ये एक मामूली सा नुस्खा है, अब इसे इस्तेमाल करें, फायदा उठाएं। अगली कॉलर है दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। स्वागत हमारी बहन दयावती का। भाई साहब आप ठीक कहते हो, ये गोंद क्या और ये जामुन का गोंद, अगर आदमी अच्छी मतलब परहेज से ले तो सचमुच ये 100% से भी ज्यादा अच्छा काम करता है। मैंने जिन जिन को रिश्तेदारों को दर्द के लिए दिया वे काफी ठीक हो गए, और मेरे घर में मेरे मित्र ऐसे बैठे रहते थे पैर उछाड़े थे ना रोते थे ऐसे, पर अब तो वे 100% क्या 150% ठीक हो के लोगों को बताते घूमते हैं कि आप भी खाओ आप भी खाओ।
रास्ते में कोई मिल जाता था उनको रोक लेते कि आप लटका कर चलते हो तो आपको दर्द है क्या, मैं आपको दवाई बताता हूँ, मंगाओ खाओ ठीक हो जाओ। और ये ना, ये तो मेरे घर में भाई साहब सब ठीक है, सिर्फ मैं नमक जैतून के सिरके में एक चूटी डाल के और वो पीते हैं बस खाली, और सब दवाइयां बंद कर दी हमने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और देखिए, एक तो इसमें विश्वास जरूरी है, आपका विश्वास आपको देवी का दर्जा दिला देता है, देवता का दर्जा दिला देता है। आपने मुझ जैसे मामूली इंसान पर भरोसा किया, मेरा मशवरा माना, और उससे भी ज़्यादा तो बुरा नहीं माने, हमारे भाई ने, आपके पति ने भरोसा किया, भगवान ने उनको फ़ायदा दिया। देखिए, एक तरफ इधर सच्ची नीयत, एक तरफ उस तरफ सच्ची नीयत, तो भगवान तो फिर मजबूरी हो जाता है फ़ायदा पहुंचाने पर। तो इसी तरह लोगों की फ़ायदा पहुंचाते रहिए, आप भी और मैं भी, जब तक जीवन है लोगों का फ़ायदे से भगवान खुश होता है। और हम तो आपके बहुत कायल हो गए कि आपने इस कदर लोगों की सेवा खिदमत की कि कहीं ना कहीं आप हमसे भी आगे निकल गए, भरोसे में, उम्मीद में और कोशिश में। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे लिए दुआ भी किया करिए कि और लोगों को भी फायदा हो सके। अगले कॉलर हैं मीना केसरी जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, जी 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 मैम बताइए, सवाल करिए। जी जी, 17 साल की मेरी भतीजी है जी, 17 साल की भतीजी, उसको ना पीरियड में बहुत दिक्कत होता है, वो 6-6 महीना पे होती है, वो 6-6 महीना पे होती है, और उसको ना बहुत 6 महीना पर होगी तो उसको बहुत ब्लडिंग होता है। जी जी, उसे बहुत ब्लडिंग हो रहा है, होता है 10-10 दिन 11 दिन से ब्लडिंग होता है, तो कोई उपाय बताइए हकीम साहब। ठीक जी। अच्छा देखिए, जो हल्दी आपके किचन में मौजूद है, अच्छी सी हो, मिलावट की ना हो, 2 चुटकी हल्दी 2 चुटकी, ये चुटकी है ना, 2 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी में जो आपका मीठा सोडा कहलाता है, किचन में खाने का सोडा होता है ना जो, वो 1 चुटकी खाने का सोडा, 2 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी आता है नमक जैतून। नमक जैतून एक ऐसा नमक है जो दुनिया का शायद सबसे बेहतरीन नमक कहलाता है, ये रॉ मटेरियल है और इसका पहचान ये है कि देखने में नमक जैसा ही लगता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता। तो ये 1 गिलास पानी में सबको मिलाइए, बच्ची को पूरे दिन में कभी भी 1 बार पिला दिया करिए रोज़ाना, आपकी बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है। दिल्ली से है सलोनी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैम मुझे है ना अपनी छोटी सिस्टर के बारे में पूछना है। जी पूछिए। मैम उसकी एज है 21 ईयर, उसका ना पेट में दिक्कत हो रही है, कभी कभी ना उसका पेट फूल जाता है, तो उसे डॉक्टर्स गैस की दिक्कत बताते हैं मोस्टली। ठीक है जी। एक तो चर्बी ज़्यादा मत खिलाएं उनको, जैसे मलाई खाते हैं या बहुत ज़्यादा एनिमल फैट, मक्खन वगैरह ना खिलाएं, और धनिया, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, मेथी, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, एक बार और बोलता हूँ आप लिख लीजिए, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी 100-100 ग्राम खरीदें, इनको पाउडर बना लें, और एक आता है नमक जैतून, इसको आप 100 ग्राम खरीद के अलग रखें, ये एक विशेष नमक है जो एक फल से निकाला जाता है, एक रॉ मटेरियल है, इसकी पहचान ये है कि ये देखने में नमक जैसा ही होता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता बल्कि खारा सा होता है। 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाएं, और ये जो 6 चीज़ें मैंने किचन की बताई हैं, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन,
धनिया मेथी इनका पाउडर जो आपने बनाया एक चम्मच खिलाइए और ये पानी पिलाइए, नमक जैतून वाला पानी पिला दीजिए दिन में एक बार, ज़्यादा दो बार, खाने से पहले खाने के बाद, जैसे आपको आसानी हो। बच्ची का ठीक होना मुमकिन है।